तभी खत्म हो सका जाकर तुम चलाकियां बंद कर दो। अरे अपर टीम के भाइयों, चलाकियां करो बंद, जनसंख्या के अनुपात में सबको आरक्षित कर दो। कोई भी नेता दूसरी जाति के हिस्से को छीन करके अपने लोगों को न दे सके, व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी तब ये देश आगे बढ़ेगा। एक परिवार में एक नौकरी करो, एक एक परिवार के तो बेटे बेटियां बाप बापे दादे चाचे दाऊ सब लग रहे, और जिनका किसी ने नहीं लगाया, एक चपरासी ने लगाया चार पीढ़ी में। अरे इस सिस्टम को भी ठीक करूंगा, एक घर में से एक नौकरी कन्फर्म करा के करूंगा, भले वो 2 लाख वाली ना हो, 20-30 हजार वाली हो, उससे 20 गुणे लोगों को इसी में एडजस्ट करके दिखाऊंगा। और भाई किसानों मजदूरों को सारी सरकार ढंडोरा पीट रही है, इसी मनरेगा स्कीम को 100 दिन की बजाय चलाएंगे 300 दिन, सब फोकट योजनाएं बंद। अभी मेरे को कल मिला कोई 80 हजार खाएगा जी मेरे कौशल योजना के नाम पर, इतने ठग फिर रहे, तुम्हारे को भी बता रहा हूं भाई, पैसे ले लेकर कौशल योजनाओं के नाम पे, मुद्रा योजना कौशल योजना के नाम पे लोग ठग रहे, इतने पैसे जमा कराओ यहाँ नौकरी, इतने जमा कराओ यहाँ नौकरी, ठगांगा कोई हिसाब नहीं, ठगे नहीं जाना चाहिए भाई मेरे मित्रों। सरकार का लोन सिस्टम है, कोई अपना कारोबार करने के लिए, ये कोई नौकरियां नहीं है। लेकिन मेरी आपसे विनती है दोस्तों, इसी स्कीम को हम आधे पैसे देंगे सरकार लेबर के, आधे पैसे देगा वो जो काम लेगा, मजदूर की दिहाड़ी दोगुनी हो जाएगी और काम कराने वाले को आधे रेट में मजदूर मिल जाएगा। जो फोकट में पैसा लुटाया जा रहा है वो देश का धन है, देश के काम आ जाएगा। और ये धन ऊपर कागजों कागजों में है, नीचे किसी को मिल नहीं रहा। बिचौलिए दस्तखत करके ले जाते हैं घरों से मस्टरों पे, एक हिस्सा तारा, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा अफसर का, और पे में से मालिक को मिले 30 पैसे।